स्टूडेंट्स उस दिन क्लास में जो है क्लास इंटरप्ट हो रही थी बार बार, तो मैं समझा नहीं पाई थी आप लोगों को, तो मैं डिस्कस करती हूँ बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे कि सम इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट्स द मीन ऑफ इन दिस थिंग्स। ओके, एक नया पेज लेते हैं, जस्ट वेट। सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए और आपको एक एक चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि मैं आगे पढ़ाऊँ तो ये वर्ड जहाँ पे आए तो क्लियर हो जाए। जैसे कि हमें सर्दियों के टाइम पे तो हम क्या कहते बनाते हैं, एक तरीके से काढ़ा बना के पीते हैं, और जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो शिकंजी वगैरह बना के पीते हैं। तो वहाँ पे शिकंजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी लिया, पानी के अंदर हम सॉलिड मतलब चीनी डालते हैं, चीनी को घोलते हैं। तो यहाँ पे जो पानी है वो एक तरीके से क्या हो गया, पानी यहाँ पे हो गया सॉल्वेंट, और जो यहाँ पे चीनी मतलब सॉलिड फॉर्म जो थी शुगर की उसको कहा हमने क्या, सॉल्यूट। तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक मिक्सचर तैयार करते हैं। तो सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से सॉल्वेंट क्या हुआ आपका, लिक्विड, एंड देन सॉल्यूट क्या हुआ, सॉलिड। अब बात आती है व्हाट्स द मीन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। जैसे कि तीन टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने समझ ली, सेम इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग है आपका, जैसे कि दो ये बीकर हैं, ठीक है, एक बीकर के अंदर 1 लीटर वाटर है और 2 टेबल स्पून शुगर है, 1 लीटर वाटर एंड 2 टेबल स्पून शुगर है। ओके, सेम इसी तरीके से इसमें भी क्या है, 1 लीटर वाटर है और 2 टेबल स्पून शुगर है, सॉरी 3 टेबल स्पून, क्योंकि दोनों में इक्वल हो जाएगा वरना, 3 टेबल स्पून शुगर है। तो आप लोगों से यदि मैं पूछूं कि इन दोनों में से मोर कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, तो आप कहोगे मैम जिसमें सॉलिड ज़्यादा है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। एग्जैक्टली, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दिस इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस वन इज द मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट के एस्पेक्ट में नहीं बात कर रहे, यहाँ पे हम सॉल्यूट के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट्स। ओके, एक तो कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन है कि सपोज दैट एक बीकर ये है, एक बीकर और है ये वाला, इसमें क्या है, इसमें 1 लीटर वाटर है, देन इसमें 2 लीटर वाटर है, इसमें 2 टेबल स्पून शुगर है और इसमें 3 टेबल स्पून शुगर है, सॉरी 2 टेबल स्पून ही, 2 टेबल स्पून शुगर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सॉल्वेंट तो क्या है, बेसिकली डिफर कर रहा है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो सेम है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि इनमें से कौन सा मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप क्या कहोगे, मैम जो क्या कहते हैं जिसमें पानी कम है और शुगर ज़्यादा है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जिसमें पानी ज़्यादा है और शुगर कम है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस वन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ सॉल्वेंट। ओके, एक ये हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, ये सेकेंड कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन और बनाती हूँ यहाँ पे मैं। थर्ड सिचुएशन है कि दो बीकर हैं, सेम वही, इसमें क्या है 20 टेबल स्पून शुगर है, इसमें आपका कितना शुगर है, 25 टेबल स्पून शुगर है। ओके, इसमें 5 लीटर वाटर है और यहाँ पे 6 लीटर वाटर है। अब इसमें कैसे निकालोगे आप लोग कि ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सबसे पहले दोनों में से किसी भी एक चीज़ को हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, कैसे, 6 2 12 तो 120 एंड देन 6 5 30, ये हो गया। अब इसका 5 5 25
एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपका टू हो के 5 125 आ जाएगा, देन सेम इसमें 5 6 30। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि इसका जो सॉल्वेंट है वो दोनों का इक्वल हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूट से पता कर सकते हो कि सॉल्यूट किस में ज़्यादा है, 125 वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, मोर कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा हुआ, दिस वन, दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस वन इज़ द लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर्मूला जो पुट करेंगे वो ये होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम बाय सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, इसका डेफिनेशन हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम बाय सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरीके से हमने ये टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लिया। अब इसी तरीके से और दो तीन टर्मिनोलॉजी हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जगह जगह पर ये वर्ड यूज़ होगा आपका इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे कि जो मैंने अभी दो बीकर दिखाए थे यहाँ पे, दोबारा से आती हूँ मैं उसी पेज पर, जस्ट वेट, दो बीकर बनाए थे ऐसे करके, तो यहाँ से यदि किसी चीज़ को यहाँ पे मूवमेंट करना है और यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट करना है, तो क्या होगा, ये तब तक मूवमेंट करेंगे जब तक ये क्या नहीं हो जाते, ये यहाँ पे नेट मूवमेंट जो है आपका बिल्कुल क्या नहीं हो जाता, एक तरीके से ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहली बात तो ये, जब भी कोई भी चीज़ है, सपोज करो ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लेस कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो हम जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ज़ीरो ज़ीरो नहीं हो जाता, आप तो यही सोचोगे कि तब तक मूवमेंट करेंगे जब तक इक्वल नहीं हो जाए। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, ज़ीरो कभी भी नहीं हम उस चीज़ को, वर्ड को यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मूवमेंट करते ही रहते हैं, तो हम इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं डायनेमिक स्टेज। क्या कहते हैं? डायनेमिक स्टेट कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी, वेन या फिर इट इज अ डायनेमिक स्टेट वेन नो नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अकर। ठीक है, तो इस चीज को हम राइट डाउन कर देते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। इट इज अ डायनेमिक स्टेट। ओके, ये समझ में आ गया क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे नेट मूवमेंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सब्सटेंस जो है फिर भी वो मूवेबल रहते हैं। व्हेन नो नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अकर्स और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शन ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये वर्ड याद रखना है, डायनेमिक स्टेट नो नेट मूवमेंट। अब बात आती है, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड देन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो सबसे पहली बात, हाइपर मींस होता है ज्यादा, मोर, जबकि हाइपो का मींस क्या होता है, लेस, और आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। जैसे सपोज दैट यहाँ पे दोबारा दो बीकर बनाती हूँ मैं, ये दो बीकर बनाए, अब इस दोनों बीकर के अंदर 1 लीटर वाटर एंड देन 3 टेबल स्पून शुगर है। ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर वाटर है, यहाँ पे 3 टेबल स्पून शुगर है। अब यहाँ पे
आपको दोनों चीज़ें इक्वली दिखाई दे रही हैं कि इसका मैम 3 टेबल स्पून है, इसका 3 टेबल स्पून है, तो इस कंडीशन में तो आइसोटोनिक है। लेकिन यदि हम बात करेंगे किस आस्पेक्ट में, हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के आस्पेक्ट में, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये इस तरीके से होगा। मैं दिखाती हूँ एक बार दोबारा बना के, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक बीकर है, इसमें एक सेल रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो इसका मींस क्या हुआ कि यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है इस जगह पर, तो यहाँ पे हाइपरटोनिक मींस क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, तो ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे। कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, ना कि क्या होगा, अंदर से बाहर आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। हाइपरटोनिक में क्या, यहाँ पे मोर सॉल्यूट्स हैं, यहाँ पे सॉल्यूट्स कम हैं, तो इस कंडीशन को कहा हमने हाइपरटोनिक। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेशन राइट डाउन कर सकते हैं इसकी, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ अदर सॉल्यूशन। ओके, हाइपर का क्या मींस हो गया, मोर, एंड देन अब क्या होगा, हाइपो का मींस क्या हो जाएगा, लेस। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सेम इसी तरीके से आइसो के लिए क्या लिखेंगे, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन of both solution is equal। तो इस तरीके से हमने तीनों देख लिया, हाइपर क्या होता है, हाइपो क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, इसका मीन्स यहाँ पे क्या है, ये बाहर से अंदर जाएंगे, तो सेल क्या है, हाइपोटोनिक में रख दिया जाएगा तो क्या होगा, अंदर से बाहर जाएंगे। दोबारा समझाती हूँ, यदि सपोज दैट यहाँ पे सेल को किस में रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, हाइपोटोनिक है ये, हाइपोटोनिक है ये, क्या है, हाइपोटोनिक था, तो यहाँ पे बाहर से अंदर जा रहे थे, अब यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो यहाँ से बाहर, अंदर से बाहर जाएंगे, तो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलो ये भी वो कर लिया हम लोगों ने। अब आता है बात बेटा टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन जो डिस्कस करेंगे वो है आपका बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। क्या बेसिस रखा है इसका, परमिएबिलिटी या सॉल्युबिलिटी कह सकते हो, कौन सी कितनी ज्यादा सॉल्युबल है। ओके, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंगली दे आर 4 टाइप्स मेनली, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, देन सेकेंड वन इज द परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड वन सेमी परमिएबल, एंड लास्ट वन इज द सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल, परमिएबल। ओके, तो इनमें क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि इम्परमिएबल मीन्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस तरह की जो मेम्ब्रेन होती है वो हर तरह के सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती। इम्परमिएबल है ना ये, तो मींस ये हर तरह के सब्सटेंस को अलाउ नहीं कर रही। परमिएबल क्या है, परमिएबल से समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर सारे सब्सटेंस को ये अलाउ करेगी, ठीक है, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। सेमी परमिएबल क्या है, सेमी परमिएबल का मींस ये है कि वो किसी एक चीज़ को तो जाने दे रही है, किसी एक चीज़ को नहीं जाने दे रही है। और सेलेक्टिवली डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या है कि यहाँ पर वो एक चीज़ को अलाउ कर रही है पूरा फुली,
लेकिन उसमें से दूसरे में से कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अंदर जाने देती है. तो दिस इज अ सेलेक्टिवली. तो हम इस चीज को लिख सकते हैं दे डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी को भी अलाउ नहीं करती. लाइक एग्जांपल है इसका सुबेरनाई, जैसे सुबेरिन की वो बनी हुई थी ना एंडोडर्मिस का पार्ट बता रहे थे, और बाहर और कैम्बियम वाले पार्ट में भी देखने को मिल रहा था. तो सुबेरनाइज्ड सेल वॉल एंड क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल ग्लास प्लास्टिक एसेट्रा. ठीक है, दीज आर द इम्परमेबल एंड ये परमेबल. इट अलाउज दोनों. इट अलाउज पैसेज ऑफ सेल, पैसेज ऑफ ऑल सब्सटेंस दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ अक्रॉस दैम. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका सेलुलोजिक सेल वॉल. ओके, एंड देन सेमी परमिएबल. इट अलाउ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट्स ओनली, सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है ये ओनली अक्रॉस इट. ठीक है, एंड नॉट सॉल्यूट्स. याद रखना, सॉल्यूट्स को नहीं अलाउ कर रहा. किसको अलाउ कर रहा है? सॉल्वेंट्स को अलाउ कर रहा है. एग्जाम्पल है जैसे कि एग मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है एक, एंड कॉपर फेरी ऑक्साइड. ओके, एंड देन सेलेक्टिवली में क्या होगा? डिफरेंशियली या सेलेक्टिवली कि कुछ को तो अलाउ करेगी और कुछ को फुली अलाउ करेगी. दे अलाउ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट्स एंड सम सेलेक्टिव सॉल्यूट अक्रॉस देम. ओके, दिस इज अ सेलेक्टिवली डिफरेंशियली परमिएबल. एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मा लेमा, ऑर्गेनुलर मेम्ब्रेन एंड देन टोनोप्लास्ट. वैक्यूलर मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट. सेल चैप्टर में आप लोग पढ़ा होगा टोनोप्लास्ट, मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, वैक्यूलर मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने जो बेसिक पार्ट था ना वो सारा का सारा डिस्कस कर लिया, कि इस तरीके से जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, एंड देन जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक था आप लोगों के लिए.